नजफगढ़ शाहीन बाग वालों के साथ है या भारत माता के बेटों के साथ। उनको ले कहा गया कि भाई भारत की धरती तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब बोली नहीं, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की गोली है। शाहीन बाग नहीं, ये तौहीन बाग है, जो हिंदुस्तान की स्वतंत्रता को एक तौहीन के रूप में देखता है। चार ऐसी है जिनमें बीजेपी आ गई है। ओह माय गॉड ऐश्वर्या, ओह माय गॉड ऐश्वर्या, ऐश्वर्या ओह माय गॉड, इसका मतलब ये है। यानी दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं, वो अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो देते हैं सब स्मार्टफोन पर देना चाहते हैं। दिल्ली का चुनाव इस बार काफी सुर्खियों में रहा। इस बार बीजेपी काफी आक्रामक दिखी और उनका चुनावी मुद्दा शाहीन बाग नागरिकता कानून था, जिसकी वजह से काफी नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल इस चुनाव के दौरान हुआ। ऐसी भाषा से ये लगा कि ये चुनाव ना होकर एक जंग का मैदान हो। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने एक रैली में जनता से आपत्तिजनक नारे लगवाए थे, जिसकी वजह से वह काफी सुर्खियों में रहे। मोदी जी का जय श्री राम, मोदी जी का जय श्री राम। देश के गद्दारों को पीछे का दबा जाना चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। अमित शाह ने भी इस चुनाव में काफी बार विपक्ष पर बात करते हुए शाहीन बाग और पाकिस्तान का जिक्र किया। ऐसा लगा जैसे कि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा ही ना हो। आपका वोट का ताकत बड़ा है, आपका एक वोट पूरे देश भर में ये संदेश भेजने वाले है कि नजफगढ़ शाहीन बाग वालों के साथ है या भारत माता के बेटों के साथ। मैं आपको याद कराने आया हूं मित्रों, इस बार के चुनाव आइडियोलॉजी के आधार पर, विचारधारा के आधार पर लड़ने वाले। आपका एक वोट दिल्ली और देश को सुरक्षित भी करेगा और सुरक्षित करने के काम आने वाला है। ये चुनाव जो है 8 तारीख को होने वाला है, वो चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव, एक और ये राहुल बाबा एंड केजरीवाल एंड कंपनी खड़ी है जो जाहिन बाग में नारे लगते हैं हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी। वो कहते हैं वी आर विद शाहीन बाग। मैं आपको पूछना हूं सदर बाजार वालों, यू आर विद शाहीन बाग? जोर से बोलो यू आर विद शाहीन बाग। ऊपर सभी लोग बोले यू आर विद शाहीन बाग। मित्रों ये निर्लज्ज होकर कहते हैं वी आर विद शाहीन बाग, किस चीज के साथ हुआ? जिन्ना वाली आजादी मांगने वाले को साथ हो। सरजी लिबाम जो कहता है कि असम को भारत से काट दो, उसके साथ हो क्या आप? मित्रों इन लोगों को अपना जवाब वोट। बीजेपी के एक और नेता प्रवेश वर्मा अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा का विषय बने। कभी शाहीन बाग पर गलत टिप्पणी करते दिखे तो कभी केजरीवाल को आतंकवादी कहते दिखे या कभी मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का रूप देते हुए दिखे। जब तक घर में आग नहीं लगेगी मेरा घर खत्म नहीं हो जाएगा, मेरी हिंदू बेटी को कोई मुसलमान नहीं उठा के लेके जाएगा, तब तक हिंदू जागता नहीं है, ये हमारे में कमी है। इसलिए एक हो जाओ, आज भी चेता रहा हूं, इसमें कोई मेरा संजय सिंह का नुकसान नहीं होगा, ये सभी का नुकसान होगा, पूरी दिल्ली की जनता का नुकसान होगा। एक बजाओगे तो 11 तारीख को जब कमल की सरकार बन जाएगी, एक घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर एक आदमी आपको दिखाई देगा, एक आदमी दिखाई नहीं देगा। ये सारी मस्जिदें जितनी इन्होंने सरकारी जमीन पर घेर के बना रखी है, मेरी सरकार बनते ही आपको एक भी मस्जिद अगर सरकारी जमीन पर दी जाए इतना ही नहीं, एक केंद्रीय मंत्री ने भी केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे आतंकवादी हैं। केजरीवाल अब एकदम मायूस मासूम चेहरा करके पूछ रहे हैं कि क्या मैं आतंकवादी हूँ, यही पूछ रहे हैं ना कि क्या मैं आतंकवादी हूँ। तो आतंकवादी हो
इसके बहुत सबूत है। आपने खुद कहा था मैं अराजकवादी हूँ। अराजकवादी और आतंकवाद में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। आज केजरीवाल की पार्टी शाहीन बाग को समर्थन करती है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या समर्थन कर रहे हो आप? आसाम की आजादी, जिन्ना वाली आजादी, भारत तोड़ने के जहां नारे लग रहे हैं, ऐसे नारों के साथ खड़ा रहना भी आतंकवाद ही है। बीजेपी के एक और सांसद तेजस्वी सूर्या ने शाहीन बाग पर टिप्पणी करते हुए लोकसभा में कहा था कि वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली में मुगल राज वापस आ जाएगा। So what is happening today in Shaheen Bagh in Delhi is a stark reminder that if the majority of this country is not vigilant, if the patriotic Indians do not stand up to this, the days of Mughal Raj coming back and revisiting Delhi is not very far away. BJP के स्टार कैंपेनर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस चुनाव में अपने आपत्तिजनक बयानों से सुर्खियों में रहे। जब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कौन बयान दे रहे हैं? पाकिस्तान के मंत्री। यानी अब दिल्ली की जनता पर उसे विश्वास नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के मंत्रियों से बयान जारी करवाया जा रहा है। क्या भारत के अंदर जनता वोट किसको दे ये पाकिस्तान तय करेगा? क्या पाकिस्तान हमारा हितेशी है? क्या जिस कार्य से पाकिस्तान खुश होगा क्या हमें वह कार्य करना चाहिए? क्या पाकिस्तान भारत की प्रगति से खुश होगा? लेकिन भाइयों बहनों, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में पाकिस्तान के मंत्री क्यों बयान जारी कर रहे हैं? आतंकवादी जो पहले भारत के अंदर आकर के जगह जगह विस्फोट करते थे, उन सबको यमलोकपुरी की यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। उनके लिए कहा गया कि भाई भारत की धरती तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब बोली नहीं, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की गोली है, अरे गोली खाओ, अपनी यात्रा पर जाओ। कांग्रेस और केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। इसी चुनाव के दौरान भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी शाहीन बाग के खिलाफ काफी बातें की। देश को तोड़ने की, देश को बर्बाद करने की साजिश के विषय में सुना था और बहुत दिनों से शाहीन बाग में और देश के कई इलाकों में कुछ लोग इस प्रकार के नारे भी लगा रहे थे, मगर वो षड्यंत्र कल पूरी तरह से खुल के हिंदुस्तान के सामने और विश्व के सामने आ गया है। जिस प्रकार की बातें शाहीन बाग में हो रही है, वैसे उसे शाहीन बाग नहीं दिशाहीन बाग कहना चाहिए। दिशाहीन बाग क्या, तौहीन बाग कहना चाहिए। शाहीन बाग नहीं, ये तौहीन बाग, जो हिंदुस्तान की स्वतंत्रता को एक तौहीन के रूप में देखता है और स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए, टू फिनिश ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज ब्रूइंग इन शाहीन बाग। वी हैव एविडेंस टू दैट इफेक्ट। ऐसी असभ्य भाषा एक चुनाव में शोभा नहीं देती। बीजेपी के चुनावी कैंपेन का मुद्दा विकास पर नहीं बल्कि केजरीवाल को आतंकवादी कहना या CAA के विरोध करने वाले लोगों को देशद्रोह बताना तक था। इतना ही नहीं, दिल्ली चुनावी कैंपेन खत्म होने के बाद एक चैनल के पत्रकार द्वारा दिल्ली की जनता के खिलाफ भी बातें की गई। हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। ये मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। दिल्ली की जनता अपने जीवन के संघर्ष में ही पूरी तरह से बिजी है, लिप्त है, उसे बाकी के देश से कोई मतलब नहीं। दिल्ली की जनता को बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वो उनसे प्रभावित नहीं होती। दिल्ली का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा गया है और दिल्ली वालों को भी स्थानीय मुद्दे ही पसंद आए और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जनता ने यह बता दिया कि ये बातें सोशल मीडिया पर लिखने के लिए बहुत अच्छी हैं, न्यूज चैनल्स पर देखने के लिए बड़ी अच्छी हैं, अखबारों में पढ़ने के लिए ये बातें बड़ी अच्छी हैं, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो
ड्रिंक्स के साथ डिस्कशन करने के लिए, राजनीति की बातें करने के लिए सारे मुद्दे बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें यह देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है। दिल्ली के लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय मुद्दों पर राय तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन वोट डालने बाहर नहीं निकलते। यानी दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी हैं। वो अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो देते हैं सब स्मार्टफोन पर देना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर ये सारे लोग एक्सपर्ट हैं। ये सारे लोग तो असल में अगली बार यही चाहेंगे कि चुनाव भी सोशल मीडिया पर ही हो जाए, क्योंकि उसके लिए इन्हें पोलिंग बूथ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दिल्ली की जनता ने आज ये बता दिया कि वो सिर्फ अपने स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं, वो वोट डालने नहीं जाएंगे, बातें बड़ी बड़ी करते रहेंगे। चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और इसी दौरान न्यूज चैनल बीजेपी की छोटी सी जीत पर भी काफी खुश हो रहे हैं। इस वक्त की, अरे रुक जाइए भाई और बहनों, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है? इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि 27 सीटों पर बहुत भारी टक्कर है, 1000 वोटों से कम है। आप सब लोग जरा अपने पे स्प्रिंट ब्रेकर लगा के बात कीजिए। यानी सब सीटों पर लड़ सकता है मामला, 27 सीटों पर कभी नहीं बोल सकता है। आप ही बोल रहे हैं 1000 वोट, मतलब क्या? मात्र एक पोलिंग बूथ में 1000 वोट होते हैं और मात्र एक पोलिंग बूथ। अरे रुकिए ना, बड़ी खबर देता हूँ, 27 में से 1000। अरे शांत हो जाइए ऐश्वर्या रुकिए। 27 में से ऐश्वर्या कपूर आपको बताएंगे, 50-50 चलिए, ऐश्वर्या कपूर आपको बताएंगे 27 में से आगे है 1000 वोट से कम। इन 27 में 23 सीट ऐसी है, 23 जिसमें आम आदमी पार्टी आगे है और 4 ऐसी है जिनमें बीजेपी आगे है। ओ माय गॉड ऐश्वर्या, ओ माय गॉड ऐश्वर्या। इसका मतलब ये है कि ये जो 48 सीटें दिख रही हैं आम आदमी पार्टी की, अभी भी आगे पलट सकती है अगर बीजेपी 23 में 23। पंजाब टुडे रिपोर्ट। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.